अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंग्लैंड में जितने भी हमारे प्लेयर्स थे और ऑफिशियल्स थे उनके अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं। और प्लस जो आपको पता है कि जिन प्लेयर्स का जो छः प्लेयर्स दस में से जो छः प्लेयर्स थे वो भी नेगेटिव आ गए, इंशाल्लाह वो भी एक दो दिन में ब्लैक चले जाएंगे। बात ये करनी थी कि अमूमन जब तक ये कोरोना चल रहा है इस तरह के टेस्ट पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। अब जो हमारी मतलब हमारी क्या पूरी दुनिया की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली जो डॉक्टर पैनल्स है, जो मेडिकल पैनल है, उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी प्लेयर्स की। जहाँ तक बात है क्रिकेट की, इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते बाद क्रिकेट शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से दुनिया के जितने भी टेस्ट क्रिकेट मतलब मुल्क हैं उन्हें मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला जो लोग बहुत दिनों महीनों से क्रिकेट नहीं देख पा रहे थे, पुराने मैचेस देख रहे थे, उन्हें लाइव क्रिकेट देखने को मिलेगी। जिस तरह हम लोग अभी फुटबॉल वगैरह फुटबॉल के मैचेस देख रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्रिकेट इंशाल्लाह ताला 8 दिन बाद शुरू हो जाएगी। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जी टूर होगा। जिस तरह आपको याद होगा कि पुराने हमारे जो पुराने सहाफ़ी हजरात या जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है वो बताते हैं कि टेस्ट मैचेस में तेंदुलकर ने पहला रन फाइन लेग से लिया था, पाकिस्तान की तरफ से पहले हनीफ मोहम्मद साहब ने पहला रन कहा मरून ने कहाँ से लिया था, या सईद अनवर ने जब पहली सेंचुरी बनाई थी तो कहाँ से, ये बातें होती रही हैं। लेकिन अब कोरोना के बाद जो क्रिकेट में सबसे बड़ी बात आएगी वो ये आएगी कि पहला रन किसने लिया। तब्दीली बोलते हैं जी, खेल में रूल्स चेंज होते हैं, कैरी पैकर आया, कलर किट आई, तो रूल्स तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे वाइटल चीज़ है वो ये होगी कि पहले हमारे यहाँ आता था कि 145 प्लस या 150 प्लस के बॉलर्स चाहिए। अब क्योंकि इंग्लैंड में कंडीशन ऐसी होती है कि अब यहाँ पे तेज़ नहीं, अब यहाँ पे स्विंग बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वही स्विंग कर पाएगा जो बॉल को एयर ज़्यादा देगा, ये मेरा अपना मानना है। जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी जब देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको पता है बहुत मजबूत है। जो रूट पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि वो अपनी मिसेस के साथ थोड़ा बिजी है, उनके विलादत का वो है, तो उस वजह से शायद वो नहीं पार्टिसिपेट करे। लेकिन एक चीज़ कहता चलूँ, जो सोच रहा था रात को भी और मैंने कहा अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ सबसे पहले शेयर्स कर दूँ कि इस वक्त क्रिकेट में जो मैं अमूमन जुमला बोलता था ना, बेस बनाने की ज़रूरत होती है। ओपनर बेस बनाएगा तो मतलब अच्छा बेस बनेगा तो बिल्डिंग खड़ी होती है। अब ओपनर्स अच्छी बेस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा इस कोरोना की कंडीशन में नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7 के बैट्समैनों को, इसमें विकेट कीपर भी शामिल होगा। इनके लिए क्रिकेट ज़्यादा ईजी होगी बनिस्बत नंबर ओपनर नंबर 3 स्विंग करने के। आर्चर क्योंकि वो तेज़ है उसको देखना पड़ेगा कि आया वो अपनी पेस को वेरी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बड़मला एक जुमला कहता चलूँ, जब तक ये कोरोना चल रहा है और जब तक ये थूक लगाना बॉल पे मना होगा, हाँ एक चीज़ और, अब आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि बॉल को 1 बाउंस या 2 बाउंस थ्रो करने पर बाउंड्री लाइन से, क्योंकि बॉल को रिवर्स करने के लिए कोई ना कोई टैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अमूमन पहले भी हो रही थी, अब ज़्यादा नज़र आएगी आपको कि ये टैक्टिस करेंगे बॉल को एक तरफ से रब करें। हो सकता है मतलब मेरा अपना वो है कि वैसलिन का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो। अब ये तो मतलब एम्पायर्स पे डिपेंड करता है कि वो आया कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले भी होता रहा है मतलब देखते हैं अभी एम्पायर्स कंट्रोल करते हैं या मैच रेफरी कंट्रोल करता है या नहीं। लेकिन नंबर चार नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 के लिए ईद और बकरीद साथ आ रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। ये नहीं कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन या इंग्लैंड के या जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे और जो टेस्ट मैचेस इसी कंडीशन में होंगे, दुआ तो यही है कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि जो हुसन है क्रिकेट का थूक लगा के बॉल करने का रिवर्स स्विंग वो हो जाए शुरू। लेकिन अर्ली ऑन तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ते बाद मैच है जी इंग्लैंड और वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, तो पहले से ही गुड लक दोनों टीमों को। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी सीरीज़ होंगी वो तो इंशाल्लाह ताला उस पर तो बात करूँगा, लेकिन 8 तारीख को ये टूर्नामेंट स्टार्ट 8 तारीख को ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है। पहला टेस्ट मैच चलेगा, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी, गुड न्यूज़ भी मिलेगी, मेरी तरफ से नहीं इंटरनेशनल तरफ से मिलेगी इंशाल्लाह, फिर उस पर ये बात करूँगा।
जब तक इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग कोरोना और दूसरी वजूहत बीमारियों की वजह से बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अपना ख्याल रखें, अपने घोड़ों का ख्याल रखें। अब्दुल बासित अली की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।